हाहाकार मचा है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 28 अगस्त को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटे में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। द्वारका के भानवड़ में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है। और आज बाढ़ के भीषण हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की, मदद का भरोसा दिया। और इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं, तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसे बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया।
इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। गुजरात में बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है, तो वहीं जानवर भी इसकी जद में आ चुके हैं। वडोदरा में नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे अब मगरमच्छों ने घरों में दस्तक दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं घर की दहलीज तक पहुंच गए तो कहीं घर की छत पर डेरा बना दिया। हर तरफ मगरमच्छ ही दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है, तो वहीं अब मगरमच्छ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुस गए हैं, जिससे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती दिख रही है। वडोदरा शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी अपनी सरहद को लांघकर रिहायशी इलाकों में बह रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। इमारतें, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गई। अब इस मगरमच्छ को देखिए, ये वडोदरा के कामनाथ नगर की कॉलोनी में घुस आया है। जैसे ही स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी, सभी विशालकाय मगरमच्छ को देखकर दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने वो इलाका खाली कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और मगरमच्छ को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें मगरमच्छ घर की छत पर आराम करता दिखाई पड़ा। एक तरफ बाढ़ बारिश ने गदर मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, लेकिन नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी के मगरमच्छों की जान पर बनाई है। वो नदियों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं, और ये कुदरत की मार का ही नतीजा है कि मगरमच्छ अब घरों में डेरा बनाते जा रहे हैं। कई मगरमच्छों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन फिर भी शहर के अंदर मगरमच्छों की मूवमेंट देखी जा रही है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। मगरमच्छ उग्र होकर हमला भी कर सकते हैं, हर वक्त ये आशंका बनी रहती है। गुजरात में हो रही भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खास तौर पर वडोदरा में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं अब मगरमच्छों